गाइस, गुड मॉर्निंग। सो देख सकते हैं आप, हम सुबह सुबह रोड पे ऐसे घूम रहे हैं। सो चोर मत समझना हमें। सो अभी हम लोग जा रहे एयरपोर्ट एंड वी आर वेटिंग फॉर द कैब। एंड कैब वाले बहुत ड्रामा कर रहे हैं। मतलब अगर 700 रुपीज़ प्राइस है तो वो लोग हम लोगों से ऐसे 13-15 ऐसे चार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल हम लोगों को मिल गया समहाउ एक अच्छा कैब वाला भैया, जिन्होंने हमें बहुत सेफली सुबह सुबह 5 बजे पहुंचा दिया एयरपोर्ट। और फिर हमने करा चेक इन, सारा लगेज जमा करके फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा। और फिर मेरे पास कोई था नहीं तो मैं भैया का सर खाना शुरू कर दी। सो एक तो स्टोरी सुनाते हैं। फालतू वाला स्टोरी हमको नहीं सुनना है। सुनिए ना, मजा आएगा, टाइम पास मजा आएगा। सुनिए ना, सुबह सुबह मूड खराब नहीं करने का। सुनिए ना, जब हम लोग के घर के ऊपर से प्लेन पार होता था और हम बहुत छोटे थे तो हम पापा से हमेशा पूछते थे कि पापा ये प्लेन हम जिंदगी भर ऐसे घर से दौड़ दौड़ के निकल के देखेंगे कि कभी चढ़ेंगे भी। फाइनली वो दिन आ गया है। अभी भी तो दौड़ दौड़ के चढ़ रही हो। क्या इम्प्रूव हुआ बताओ? तभी देखते थे, अभी चल रहे हैं, डिफरेंस नहीं है क्या? बहुत 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 सवास, बहुत मेहनत करी, पैसा कमाई, जॉब ली, टिकट कटा के सबको घुमा रही है, बहुत अच्छा हुआ। और फिर यही सारे बकवास करते करते हम पहुंच गए अंदर। और यहाँ पे हम खड़े हैं अंदर जाने के लिए और पहुँच गए फ्लाइट पे। और यहाँ पे लग गई सीढ़ी और हम ऐसे पीछे जो मेरे बस देख रहे हो, हम वो बस से यहाँ पे आए थे। मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत बड़ा है सो हम लोग वॉक करके नहीं जा सकते, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये बस में हम लोगों को ऐसे भरा और हम लोग फिर यहाँ पहुँच गए, सॉरी फिर फ्लाइट के अंदर आए। और ओ माय गॉड, विंडो सीट, एंड कैन यू सी, अभी देखना दिखाई पड़ेगा, मतलब साइड से ऐसे सन दिख रहा है, साइड में से प्लेन दिख रहा है, तो ना खूबसूरत लग रहा है भाई साहब, मतलब दिल ही आ गया, मानो चाय पीने का मन कर रहा था। खैर फिर यहाँ से टेक ऑफ हुआ और हम ऐसे देखते देखते पहुँच गए आसमानों में, वैसे बादलों के बीच। अभी देखने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब मत ही पूछो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ मिला जिसके बाद तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मतलब हवे से सीधे ज़मीन पे पहुंच गए हम, आसमान से सीधे ज़मीन पे पहुंच गए ऐसा बोल लो। इन्होंने अनाउंसमेंट किया और इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा फॉग होने के कारण हम लैंड नहीं कर पा रहे, तो आप लोग प्लीज़ कॉपरेट करो। और ये बोलते हुए ऐसे प्लेन गोल गोल चक्कर काट रहा था रनवे का। ठीक है, फाइनली वी लैंडेड इन बेंगलुरु। एक तो ये हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग नाम क्यों बदलते रहते हैं। बैंगलोर अच्छा नहीं रहता है, बेंगलुरु। और हमारी हंसी पे मत चले जाना, ये जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी तो भैया मुझे थोड़ा नॉर्मल करने के लिए ऐसे जोक्स मार रहे थे। खैर अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो ऐसे जान में जान आ गई, मुझे लगा हाँ हम वापस घर जाएंगे, मैं ऐसे हम घर जा रहे हैं मैंने जैसा बताया। सो मुझे तो ऐसे बहुत ही टेंशन हो गया था कि मम्मी मुझे दोबारा देख पाएगी कि नहीं। खैर जो भी हो, फिर हम यहाँ पे लैंड किए और वापस से इस बस में हमें बिठा दिया और फिर हमें यहाँ से लेके गए बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। मानो ये पूरा दिन हम लोगों को परेशान करने के लिए भगवान ने लिखा था जैसा लग रहा था, क्योंकि अभी एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हमारे जो टिकट्स हैं उस पे गेट नंबर लिखा होता है बट हमारे टिकट्स पे गेट नंबर नहीं था। सो टू कंफर्म दैट हम लोग वहाँ पे गए एंड जहाँ से चेक इन करते हैं वहाँ पे जाके हम लोगों ने कंफर्म किया, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि 3 गेट नंबर 3 पे आप चले जाओ। और उन्होंने ये भी बोला कि जल्दी जाओ। फिर क्या हम ऐसे दौड़े भागे निकले वहाँ से एंड एकदम फटाफट से पहुँचे। और फिर क्या, फिर हम भी उस भीड़ में शामिल होकर निकल ली और पहुंच गए अपने फ्लाइट में। एंड वापस से मिल गई मुझे विंडो सीट, बट ठीक है अब मैं बोर हो गई विंडो सीट से, मतलब 2-3 बार हो गया। खैर अभी विंडो सीट में ऐसे देख लो क्या दिखता है, बस यही दिखता है। और थोड़े ऊपर जाने के बाद तो ये भी नहीं दिखता है, बस ऐसा बादल दिखेगा और लगेगा ऐसे कोई फ़ोटो के सामने बिठा दिया है, ऐसा वाला फीलिंग आता है। सो ठीक है, और फिर भैया और मैं ऐसे थोड़े बहुत मस्ती कर रहे थे एंड यू नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ये बोल रहे थे मुझे नोट कैसे देखते हैं टू कंफर्म लाइक नकली है या असली। तो हम लोगों ने इसमें, मैं इनको थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें बता रही थी तो उन्होंने कहा नहीं लेट मी टेल यू द परफेक्ट थिंग। तो मैं सोची कि कुछ सीरियस होगा बट ट्रस्ट मी गाइज, उन्होंने क्या बताया पता है, ऐसे नोट को सीधा करके देखो तो गांधी जी नॉर्मल दिखेंगे, दूर करके देखो टेढ़ा करके तो गांधी जी स्माइल करेंगे।
एंड कैन यू इमेजिन मैं इतनी स्टूपिड हूँ, आई ट्राइड दैट, एंड फिर हम लोग बहुत हंस रहे थे कि सीरियसली मतलब क्या ही है कुछ भी. बट ठीक है, आप भी ट्राई करके देखना, क्या पता आपको दिख जाए जो मुझे गांधी जी स्माइल करते नहीं दिखे, और मज़ा आया आपको गांधी जी को स्माइल करते हुए देख के, तो आप भी थोड़ा स्माइल कर लेना. और फिर इन सब के बीच में मैंने लगा ली एक नींद सॉलिड सी, और फिर जब मैं सो के उठी तो मुझे भैया ने पिलाया थोड़ा सा कॉफ़ी. फ्लाइट में सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, मतलब बेकार के पैसे लेते हैं पता नहीं क्यों. फिर कॉफ़ी ख़त्म होते होते हम लैंड कर गए, एंड कैन यू सी जब हम लोग लैंड करते हैं या टेक ऑफ होता है तो पूरा फ्लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, पूरा एकदम हिल रहा होता है, सारी चीज़ें आपको डर भी लगेगा थोड़ा बहुत, ऐसा मोमेंट हो जाता है. खैर जो भी हो, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मेरे फेस पर स्माइल देख सकते हो. आफ्टर 3 मंथ्स मैं वापस आ रही हूँ, सो मैं खुशी तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती. मतलब पहली बार मैं इतने दिनों तक बाहर रही हूँ मम्मी पापा के बिना, मैंने उनको देखा तक नहीं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट बैक टू माई मम्मी पापा एंड एवरीवन, लाइक यू नो. और भैया का एंगेजमेंट है आफ्टर ऑल, तो मुझे तो अभी घर जाके बहुत सारा काम भी करना है, और बहुत लोग आने वाले हैं तो बहुत मस्ती करनी है. सो या पहुंच गई मैं मम्मी के पास, एंड लुक एट हर, शी इज़ वेरी इनोसेंट एज ऑलवेज. सो हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.